आए थे खलिया बेड़ा आए थे खलिया बेड़ा लेके जा रहे हैं सीता का फल, आए थे खलिया बेड़ा लेके जा रहे हैं सीता का फल, छोड़ दिया हूँ ओम को जल्दी। हम फिलहाल हम लोग चल रहे हैं खेत साइड, आप देख सकते हैं ये आपको पिछले बार दिखाया था, ये हमारे यहाँ हाथी बंदली है, इसका भी कहानी है MS माझी यूट्यूब चैनल में, इसका इतिहास के बारे में मैं बताया हूँ विश्लेषण टाइप का करके। तो आप देख सकते हैं ये जो तालाब है उसमें जो घास उगा है ऐसे लग रहा है जैसे उसके बीच में जो है धान बोए हैं करके, और पूरा धान के कारण उसका जमीन नहीं दिख रहा है, जबकि वहां अंदर में जाने से आदमी दलदल में फंस भी सकता है, मतलब इतना घास जो है पूरा उसके अंदर है, घास का पता नहीं चलता है यहाँ पे। और एक बात बताऊं, यहाँ पे मतलब जोंक मिलता है, हमारे यहाँ पिछले बार यहाँ पे अपने यहाँ खेत है वहाँ पे तीन ट्राली गाड़ी में तीन गाड़ा मिट्टी लिए थे, तो उसको लूदर बोलते हैं आजकल, लूदर लूदर जानते हो? लूदर तो आजकल नहीं निकल रहा है, जोर से बोलो, आजकल लूदर नहीं निकल रहा है ना, लूदर नहीं निकल रहा है, लेकिन जैसे लूदर मतलब आजकल ट्राली जिस प्रकार रहता है ट्रैक्टर में, तो उसी प्रकार से बांस का बनाया जाता था गाड़ी में, और उसमें तीन ट्राली यहाँ का मिट्टी लिए थे यहीं से, तो उसमें भी जोंक पैदा हो गया था। तो ऐसा है, ये जोंक वाला जगह है इन, तो हम लोग फिलहाल यहाँ से इस यहाँ खेत जा रहे हैं और देखते हैं वहाँ आगे क्या होता है। आप देख सकते हैं ये जो है अपने यहाँ जीवन धारा कुआं है, उस समय सांप यहाँ पे गिर गया था, तो उसको मैं लोहा का जो नार होता है उसके माध्यम से निकालने का कोशिश किया था, निकला था दूसरा दिन पता नहीं चला। तो ये अपने यहाँ जीवन धारा कुआं है, अभी इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, पहले हमारे यहाँ यहाँ जो है बैंगन और जो मिर्ची है मतलब साग सब्जी वगैरह उगाते थे। आप देख सकते हैं ये जो है कुआं है और वो टंकी है, टंकी में छोटे छोटे छेद हैं जिसके माध्यम से वहां से पानी जाता था, आपको सामने जाके मैं दिखाता हूं। ये आप देख सकते हैं ये टंकी है और ये जीवन धारा कुआं है, और वहां पे अपने यहां जब पिताजी थे तो उस समय यहां पे कुछ कुछ लगाते थे, बहुत सारे यहाँ पे मेरा जो बचपन है गुजरा है, मेरे कुछ याद गुजरे हैं कहना चाहिए। ये जो जीवनधारा कुआं का ये टंकी है, टंकी के चारों कोनों में वहाँ पे वहाँ पर वहाँ पर वहाँ पर जो है छेद था, अभी भी है मतलब पट गया है, वहाँ से छेद से पानी इसमें भर देते थे, भरने के बाद उस छेद से पानी निकलते रहता था और हमारे जो इस खेत में उसको पलाते थे, जब कुछ बैंगन लगाते थे या फिर मतलब मिर्च लगाते थे इस प्रकार से कुछ फसल लगाते थे, तो उसका सिंचाई इस क्षेत्र में जब पानी जाता था तो करते थे। आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे सीता का सीजन चालू हो गया है, सीता के फल छोटे छोटे आ गए हैं और हम लोग चाहे तो इसको ले सकते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि इसको ले जाऊँ करके। काका सुन ना, ये हो गया है का? हो गया है, तो मैं सोच रहा हूँ क्योंकि इधर जो किसान लोग आते हैं आसपास वाले कहना चाहिए, और जो गाय चराने वाले हैं हो सकता है उन लोग भी ले जाएंगे, तो मैं सोच रहा हूँ कि जितना भी सीताफल है वैसे सबको तो नहीं लेंगे, यदि सबको लेंगे तो सड़ जाएगा, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि जो भी थोड़ा सा मतलब गोरा गोरा है हरा रहता है तो उसमें लाइनिंग लाइनिंग गोरा रहता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उस गोरा वाला को ले जाऊँ, ऐसे सोच रहा हूँ। मेरे पास तो थैला आज लेके नहीं आया हूँ, इधर रोड तरफ से आया, तो फिलहाल इनका जो टावेल है इनसे उसको तोड़ते हैं और तोड़ के जो है उसको लेने का कोशिश करते हैं, लेते हैं। तो आप कृपा करके तोड़िए, मैं कैमरा आपको दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सीता का फल है, वैसे हमारे यहाँ ढोड़ जो नाला आप स्टाफ डैम देखे होंगे उधर बहुत सारा सीता का पेड़ है, हम लोग छोटे छोटे थे तो चुमड़ी में एक एक चुमड़ी लेते थे जब नहाने जाते थे। सुनना, हम लोग जब छोटे छोटे थे नहाने जाते थे तो अपना जो नहाने के स्थान पे अपना चड्डी बनियान जो भी है उसको रख लेते थे और चड्डी पहन के और जो मसान घाट के ऊपर ऊपर में चढ़ चढ़ के सीता को तोड़ते थे और तोड़ के लाते थे और घर लेते थे नहा वहाँ के। तो फिलहाल वो अपना बचपना है, अभी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कुछ फला है, मैं इनसे बोल रहा हूँ कि तोड़ो करके, इस साल सीताफल कम है करके बोल रहे हैं फिलहाल, वैसे जो हुआ है उसी को ले रहे हैं भाई, और देखते हैं बाकी दोबारा मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा उसका कोई गारंटी नहीं है। काका कितना हुआ दिखा तो गा? अपने यहाँ वैसे तो बहुत सारे हैं, छोटे छोटे हैं, लेकिन जितना भी पकने के लायक है गोरा कहना चाहिए, मैं आपको गोरा वाला, इधर आइए मैं दिखाता हूँ उजाला में, क्योंकि उधर थोड़ा सा मतलब क्वालिटी खराब हो सकता है, तो आपको जो गोरा वाला बोला था ये गोरा, गोरे गोरे मुखड़े पे ये जो बीच बीच में मतलब क्या कहना चाहिए ब्राउन ब्राउन दिख रहा है इस टाइप का जब हो जाता है, तो इसको हम लोग
रखते हैं दो चार दिन तक तो ये पक जाता है, और यदि बहुत हरा रहता है तो वो नहीं पका रहता। तो और कहीं और दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना। अच्छा वो दे ऊपर में है, चढ़ोगे क्या? नहीं चढ़ सकता बाबा वो छोटा वाला पेड़ है, कहाँ चढ़ने होगा, कैसे नहीं होगा भाई तो इनका ये पहले चढ़ते थे, अभी भी चढ़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल वो एक जगह गिर गए हैं तो इनको प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं चढ़ पाऊंगा, बोल रहे हैं। तो फिलहाल वैसे हम लोग लालच करके ऐसे ऊपर में नहीं चढ़ेंगे, जो भी नीचे में मिला अपना श्रद्धा भक्ति से वो तोड़े हैं। तो फिलहाल चलते हैं घर। हम लोग का मतलब जिस समय बाड़ी था तो बहुत सारे कुछ कुछ लगाए थे, जैसे ये देख सकते हैं संतालू जाम, वहाँ पे हमारा कुंजारी का भाजी है, और यहाँ पे एक ठन जाम का पेड़ था। तो ये सब मतलब यहाँ पे बाड़ी वाड़ी छोड़ देने के बाद अभी यहाँ हम लोग आ नहीं रहे हैं, जो धान लगाए हैं वही बस है, कुछ टाइम मतलब बहुत टाइम के बाद ही आते हैं, रेगुलर आ नहीं पाते, तो ये सब बच नहीं पाया है। आप देख सकते हैं ये जाम, मतलब इसको हम लोग तोड़ते हैं घर में, आज तोड़ा था, ओम जिद किया तो, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कच्चा कच्चा वाला जाम है, संतालू है, बिही है ये, लेकिन ये बच नहीं पाएगा फिलहाल। इसको सूंघने से बड़ा अच्छा लग रहा है, इसको सूंघ के ही कहने का मतलब हम लोग जाम खा लिए, संतालू खा लिए करके सोचना है, क्योंकि कभी यहीं का खाने के लिए नहीं मिलता, दूसरे लोग ले लेते हैं। कैसे? और पहले तो बड़ा बड़ा भी हो रहा था ये, नहीं पहले मतलब ये जब जवान था तो यहाँ पे जड़ से उसको पोषक तत्व मिल जाता, बड़ा हो जाता था, लेकिन ये पेड़ बहुत दिन से है तो ये बहुत बड़ भी नहीं रहा है, खलिया मिट्टी बोलते हैं, खलिया मिट्टी में इतना विकसित नहीं होता, लेकिन हाँ इसके किनारे किनारे यदि 1 मीटर के अंदर में हम लोग DAP या कुछ खाद वाद देंगे, उर्वरक वगैरह देंगे, खाद देंगे, तो फिर से ये बड़ा होगा, क्योंकि इसको पोषक तत्व जमीन से उतना ज्यादा नहीं मिल पा रहा है ना। ये तो बुढ़ा हो गया ना, वो कहाँ जवान होगा था अभी हाँ जी ग्लूकोज बाटल चढ़ाने से थोड़ा ताकत आ जाता है कि नहीं तो ऐसे इसको भी ग्लूकोज बाटल चढ़ाएंगे तो ताकत आ जाएगा, फिर अगले साल फिर बुढ़ा हो जाएगा। तो आपको फिलहाल मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पे मकड़ी का जाला कितना खतरनाक खतरनाक है, ये मकड़ी 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 अपना घोंसला बना के रह रहा है ये, और ये आपको दिखाऊंगा ये जो है मकड़ी एक है, और आपको ये दिखाना चाहूंगा ये एक मकड़ी है, कितना खतरनाक दिख रहा है ना, देखो मकड़ी 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 मकड़ी। तो फिलहाल मैं जो है यहाँ पे आके YouTube का ही वीडियो बनाने में लगा हूँ, इनको मैं रास्ते में बोला था कि चलो आपका ये खलिया बेड़ा का खेत के बारे में बताना करके यहाँ पे ले आया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना जो है 1 एकड़ के आसपास है एरिया, तो इनको जो है इधर उधर का बात कर लिया, और फिलहाल मैं इनसे पूछूंगा शॉर्टकट में। तो इधर का खेत खर का क्या हाल चाल है? खेत खर का क्या हाल चाल था, ये तो खलिया है बेड़ा है, ये इसमें थोड़ा इस साल धान पानी का समस्या था तो धान पान ठीक नहीं है, थोड़ा मुत है तो इसको अभी तो पकने से काटेंगे और मिंजाई करेंगे। तो ये तो पानी है जी, यार पानी कैसे नहीं है? ये बाद में आया है पानी, पहले से पानी होता तो यार कई मस्त होता धान। अच्छा मिंजाई कोड़ाई भी होता है? हाँ, मिंजाई कोड़ाई तो नहीं हुआ है ना। अच्छा चलो ठीक है, तो यहाँ आए यहाँ घूमे, और हम लोग चल रहे हैं घर सीता माता को लेके, सीताफल को लेके आए थे खलिया बेड़ा, लेके जा रहे हैं सीता का फल, आए थे खलिया बेड़ा लेके जा रहे हैं सीता का फल, ओम को छोड़ दिया हूँ वहां पे, जल्दी जल्दी चल तो बने रहे। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल किसी और एक वीडियो में, तब तक ले अनुमति दीजिए, नमस्कार। रोज जो है हमारा वीडियो आता है 8 बजे, इंतजार करिए, देखते रहिए, प्यार दीजिए अपना, तो बने रहिए, हम चलते हैं, मिलते हैं कल, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए यही जिंदगी का सार है, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए यही जिंदगी का सार है, बचपन जवानी बुढ़ापा उसके बाद तो जिंदगी पार है।